अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कनाडा में जो नया प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है PGP 2020, ये प्रोग्राम क्या है, इसका क्या मकसद है और यही आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। PGP मेन पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम जो है वो क्यों ओपन किया गया है इस वीडियो में, यही आपको मैंने बताना है। इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि मेरे हर पॉइंट की आपको समझ आ सके। नंबर वन पॉइंट है कि जी जो फेडरल गवर्नमेंट है कनाडा की, उसने PGP प्रोग्राम खोला है, जिसका मकसद है कि कनाडा को दोबारा जो कनाडा का फैमिली बेस्ड सिस्टम है उसको बेहतर करना, स्ट्रॉन्ग करना और कनाडा में जो है वो तरक्की के मज़ीद मौके पैदा करना। नंबर टू, इस प्रोग्राम के तहत जो है वो लोग हैं जिनके पास कनाडा में एमिग्रेशन रेफ्यूजीज है या उनके पास कनाडा की सिटीजनशिप है, वो अपने वालदेन के लिए स्पॉन्सरशिप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी डेट है ओपनिंग की 13 अक्टूबर से 3 नवंबर है और वो इसमें ऑनलाइन फॉर्म वगैरह जो है वो फिल करके सबमिट कर सकते हैं। नंबर फोर, इसमें IRCC देखेगी कि ये तमाम जितने एप्लीकेंट हैं इनको जो है वो इनविटेशन लेटर जारी करना है या किन लोगों को करना है, ये वो 60 डेज में जो है वो सारा कुछ जायज़ा लेके और उनको इनविटेशन लेटर जो है वो सेंड कर देगी, जो आपने एम्बेसी में जमा करवाना होगा। नंबर फाइव में ये नंबर ये है कि IRCC इसमें उन लोगों का भी तमाम जो डॉक्यूमेंट है वो देखेगी और फिर उन्होंने इस साल जिस साल ये कोरोना फैला है COVID-19, इसमें उन तमाम एप्लीकेंट का जो टैक्स है वो कितना जमा करवाया हुआ है वो सब भी चेक करेगी और फिर उनको जो है वो जो ऑफर लेटर है और इनविटेशन लेटर है वो आसानी उनको जो है वो दे देगी। नंबर सिक्स में ये पॉइंट है कि जी 2020 में तकरीबन 10,000 एप्लीकेंट जो हैं वो उनको इनविटेशन लेटर जारी किया जाएगा और उनका जो वीज़ा है वो प्रोसेस होगा और फिर 2021 में ये एक नया इनटेक शुरू होगा जिसमें तकरीबन 30,000 के लगभग एप्लीकेशन हैं उनकी गुंजाइश पैदा की जाएगी और इन सब को 30,000 जो लोग हैं उनको वीज़ा भी दिया जाएगा। लास्ट में जी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारा जो है वो अगर कनाडा की मज़ीद इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या मज़ीद आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इससे बेहतर न्यूज़ और अच्छी और रिलायबल रिसोर्सेज से आप तक न्यूज़ पहुंचा सकें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।